ये कार्बन नंबर टू, ये इसका OH, ये कार्बन नंबर थ्री इज OH, ये कार्बन नंबर फोर। यहाँ पे ये इन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ ये रिंग के अंदर है, ये रिंग के अंदर है, ये कार्बन नंबर फोर पाई पाई का एच और ये कार्बन नंबर सिक्स, ये ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनता है, ये बनता है फ्रुक्टो प्यूरान। ये बनता है फ्रुक्टो प्यूरान, समझे ना। इसको ड्रा करना है, वैसे ये बुक में नहीं है और ना ही इसकी भूल जाता है, नहीं लिख पाता है, फाइल वगैरह तो जी हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यार, इसका ग्रुप थ्री बोल रहा है, इसका बोले आवाज समझता हूँ। ये आपका आ रहा है पीसी, ये मेरे वाला ग्रुप है, ये ही होगा।
जी आवाज आ रही है तमाम बच्चों को? यस सर। आवाज क्लियर है भाई? यस सर। ओके ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स क्या है? पॉलीसेकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स शुगर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर, बल्कि ये इज आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर या मोर कॉम्प्लेक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, these are most complex sugars। ठीक है, they are only pyringly water soluble। Sparingly का मतलब यह है कि बहुत कम, चालो बल नहीं, बहुत कम, नाउ नहीं के बराबर। या इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि खास कंडीशन में डिजॉल्व किए जा सकते, अदरवाइज चालो बल नहीं। ठीक है, अदरवाइज चालो बल नहीं है। दे आर टेस्ट लेस, इनका कोई टेस्ट नहीं। दे आर टेस्ट लेस, कोई टेस्ट नहीं है। दे आल्सो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, इनकी हाइड्रोलिसिस होती है। एंड दे आर हाइड्रोलाइज्ड ऑन द एंड दे हील more than 10 monosaccharide, 10 से ज्यादा monosaccharide के लिए, more than 10, they yield more than 10 monosaccharide। इनका जनरल फॉर्मूला है CH H2O, CH2O, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल्स चार्ज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एगर, लिग्निन,
टेक्टेन आइटन ये इनकी एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे बुक में इन तीन को डिस्कस किया गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। इन तीन को डिस्कस किया गया है, बाकियों को डिस्कस नहीं किया। तो हम इन तीन को बात करेंगे। यानी हम पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन की बात है, क्लासिफिकेशन आपको आपने आपको अनम्यूट कर रहे हैं, अगर आपको कोई आवाज नहीं आती ना। हाँ जी, आवाज आ रही है? अच्छा, एक चीज उसमें रिमूव कर लें, आई थिंक फ्रूट्स के अंदर स्टार्च नहीं होता, फ्रूट में होता है स्टार्च? नहीं होता, फ्रूट रिमूव कर लेना। अगर फ्रूट में स्टार्च होता तो हम उसे डायरेक्ट शेयर ना खा सकते। मे बी बुक के अंदर देखें जरा कहीं है फ्रूट में क्या दे रहा। है फ्रूट्स, चलो फिर लिखा है ना, बुक कह रही है। चलो सोर्सेज हो गए। अच्छा, सोर्सेज के बाद हम आते हैं जी इनकी सॉल्युबिलिटी की तरफ, दूसरे नंबर पे। क्या ये सॉल्युबल हैं स्टार्चेस? सॉल्युबिलिटी के हवाले से ना इनकी फिर दो ग्रुप बन गए। ठीक है, इनमें से एक स्टार्च है जिसका नाम है अमाइलोज। अमाइलोज जो है ना, ये अनब्रांच है। क्या? अनब्रांच। और अनब्रांच होने की वजह से ये सॉल्युबल है हॉट वाटर में, गर्म पानी में। इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर ओनली। ये गर्म पानी में सॉल्युबल है, ठीक है, गर्म पानी के अंदर ये डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन लेकिन कोल्ड वाटर में, नॉर्मल वाटर में ये डिजॉल्व नहीं। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, आपने कभी देखा है? ये वाला स्टार्च माइलोज पाउडर फॉर्म में होता है, कलर नहीं होता कपड़ों को लगाने, ये वही होता है गर्म पानी में, उसको गर्म पानी में हल करके कपड़ों को लगाते हैं। अच्छा, ऐसे ही सूप आपने पिया होगा, सूप के अंदर भी यही स्टार्च होता है, ठीक है, माइलोज होता है, अनब्रांच है। अच्छा, दूसरा स्टार्च जो है ना वो है माइलोपेक्टिन। माइलोपेक्टिन, माइलोपेक्टिन ब्रांच है। क्या ये ब्रांच होने की वजह से ये इंसान बन गए? ठीक है, ये क्या है, ब्रांच है और इंसान बन। तीसरे नंबर पे जो हम फीचर इनका डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रोलिसिस।
क्या ये हाइड्रोलाइज होते हैं? यस होते हैं, सारे स्टार्चेस हाइड्रोलाइज होते हैं एंड दे यील्ड मोर देन क्या हम नेट कौन सा यूज कर रहे हैं इसके ऊपर? एमिनेंट का 800 आप वाले से आप वाले सेम कहाँ पे? वहाँ पड़ी हुई है, ये इधर है, इतने दूर से फिर ये कैसे उसको क्या मन जाइए। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, वो है डाइजेस्टिबिलिटी। क्या ये हमें डाइजेस्टिबल है? क्या हम इसे डाइजेस्ट करते हैं? हमें हजम होता है ये स्टार्चेस? फिर इस करीब रख देना, फिर उसी की इशू नहीं होगा, एक अदबा ड्राप हो गया। हाँ जी बताएं, हजम होता है जी? खाते हैं वेजिटेबल, खाते हैं हम, ट्यूबर से मुराद है आलू, खाते हैं हम सीरियल अनाज, रोटी चावल छली है, खाते हैं सीड, बहुत सारे सीड हम पका के खाते हैं। इसका मतलब है ये हमें डाइजेस्ट होता है। यस इट इज डाइजेस्टिबल, बिल्कुल ये हमें हजम होते हैं। ठीक, फिर पांचवें नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी इनकी आइडेंटिफिकेशन, आयोडीन टेस्ट। लैब में आप करेंगे, ये प्रैक्टिकल में आता है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, जब आप स्टार्चेस का आयोडीन टेस्ट करते हैं, स्टार्च क्वेश्चन के अंदर आयोडीन डालते हैं, आयोडीन का क्वेश्चन डालते हैं, तो ये ब्लू कलर देता है। कौन सा कलर देता है? इट गिव्स ब्लू कलर आयोडीन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का सोर्स क्या है? ये लिवर है और मसल। बॉडी के तकरीबन हर सेल में है वैसे, लेकिन ज्यादातर अबंडेंटली इन दो सेल, लिवर सेल मसल। लिवर एलर्जी, ठीक है, और मसल गोश्त। ठीक है, लिवर और मसल का रेड कलर ग्लाइकोजन की वजह से। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी। ग्लाइकोजन जो है ना, ये ब्रांच है, इट इज हाईली ब्रांच। ब्रांच है तो फिर ये क्या होगी? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इट इज इनसॉल्युबल। अच्छा, ब्रांच से क्या मुराद है? ब्रांच से क्या मुराद है? देखिए दरअसल ये जितने भी पॉलीसेकेराइड है ना, ये ग्लूकोज के मालिक्यूल के जुड़ने से बने। ठीक है, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से ग्लाइकोसाइडिक बांड बनाता है। एक ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज का जो बांड होता है ना, वो 1,4 होता है, यानी एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1, दूसरे की कार्बन नंबर 4। ब्रांच मार ये होता है कि ये ग्लूकोज के रेसिड्यूज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोसाइडिक बांड है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लाइकोसाइडिक बांड है, ये ग्लूकोज है, ग्लाइकोसाइडिक बांड, ग्लूकोज, ग्लाइकोसाइडिक बांड, फिर ग्लूकोज। ठीक है, वाजम ये एक स्टेट चेंज जा रही है। ब्रांच से क्या मुराद है? फिर एक और जो है ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और स्टेट चेन है, फिर इनके आपस में फॉर एग्जाम्पल जो है ना, अगर बांड डिवेलप होते हैं लाइक दिस, इसे हम कहेंगे ब्रांच। क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये है जी ब्रांच। तो ब्रांच जो है ना, ये इनसॉल्युबल। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है ग्लाइकोजन की, बिल्कुल होती है, ये ब्रेक होता है, एंड दिस आल्सो यील्ड्स मोर देन 10 मोनोसाइड। क्या ये डाइजेस्टिबल है? हमें हजम होता है, गोश्त हजम होता है, एनर्जी होती है,
अगर हाइड्रोलाइज रहा है हमें तो ये हजम भी होगा। तो यस। अच्छा आयोडीन टेस्ट के साथ ये देता है जी रेड, कौन सा कलर? गिव्स रेड कलर। उसके बाद आ जाता है जी सेलुलोज। सेलुलोज कहां पे होता है? वुड में, पेपर में और कॉटन। कॉटन इसकी प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज इज कॉटन। ठीक है, कपड़ा। सॉल्युबिलिटी क्या ये सॉल्युबल है? सॉल्युबल है ये कपड़ा? पानी में आ लो फिर हम धोते और कपड़े वापस ही ना आते, ऐसे ही पेपर सॉल्युबल है पानी में? टूट जरूर जाता है, सॉल्युबल नहीं। अच्छा वुड लकड़ी पानी को एब्जॉर्ब जरूर कर लेती है लेकिन डिजॉल्व नहीं, ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इनसॉल्युबल। ठीक है, ये अनब्रांच्ड होता है, इसके बावजूद ये इनसॉल्युबल। ठीक है, इसकी वजह और है, इसकी वजह इसकी ग्लूकोज रेसिड्यूज है जो दरअसल बीटा डी ग्लूकोज। क्या है? इन दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज जो जिसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। बीटा का मैंने क्या बताया था? बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है बताया था मैंने? बताया था, मैंने बताया था कि अगर कार्बन नंबर वन का OH रिंग के ऊपर चला जाए तो वो बीटा डी ग्लूकोज बने। क्या बनाएगा? बीटा डी। हाइड्रोलाइसिस की होती है, बिल्कुल होती है हाइड्रोलाइसिस, इट कैन बी हाइड्रोलाइज। और ये भी इसी तरह 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यील्ड करता है, ग्लूकोज यील्ड करता है। डाइजेस्टिबल है ये, जानवरों को तो होता है, घास खाते नहीं, पत्ते जितने खा लेते। इसमें दो बातें मतलब हम करेंगे कि यस हर्बीवोर्स हैं, सब्जी खोर, उनको डाइजेस्टिबल है बिकॉज दे हैव एन एंजाइम। एंजाइम का नाम होता है सेलुलेज। उनके इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया हैं जो सेलुलेज बनाते हैं, जबकि हमारे यहाँ वो नहीं। इसलिए हम जितना मर्जी घास खा लें हमें हजम नहीं होना। ये पालक तो हम खाते हैं, खाते नहीं है पालक, क्या वो हमें हजम होती? नहीं होती। ठीक है, अच्छा क्या सेलुलोज हमारी गिजा का हिस्सा है? बताएं क्या सेलुलोज हमारी डाइट का हिस्सा है? बिल्कुल है। सेलुलोज को हम कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर। फाइबर हमारे गिजा का हिस्सा है लेकिन ये हमें हजम नहीं होते, फिर हम खाते क्यों हैं? हम इसलिए खाते हैं कि ताकि हमारे इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं वो चलती रहे। ठीक है, समझे ना बात? अगर हम नहीं खाएंगे तो वो इंटेस्टाइन हमारी ब्लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। और आयोडीन के साथ ये कोई कलर नहीं देता, इट गिव्स नो कलर। जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, वो शुरू के जो इंसान वो जो पत्ते छत्ते खाते थे उनको ये हजम हो जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने शिकार करना शुरू किया, जानवरों का गोश्त खाना शुरू कर दिया, तो इंसान की आदत तब्दील हो गई, तो वो हैबिट खत्म हो। अब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अपेंडिक्स मौजूद है। अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स जो है ना, ये इशारा दे रही है इस तरफ के पुराने जमाने का जो इंसान था ना वो हर्बीवोर था, उसकी अपेंडिक्स के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया थे जो सेलुलेज बनाते थे, एंजाइम बनाते थे। ठीक है, अब वो जब गोश्त खाना शुरू किया तो पीएच तब्दील हो गई, वो बैक्टीरिया भी मर गया, वो एंजाइम भी नहीं, इसलिए अब हमें वो हजम। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल भाई? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, समझे बात? हाँ भाई कोई सवाल?
जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, कोई सवाल भाई? हाउ टू अटेम्प्ट इट? यस, वेरी गुड। हाउ टू अटेम्प्ट इट? अटेम्प्ट कैसे करना है भाई? अटेम्प्ट आपने इस तरह से नहीं करना, ये लेक्चर मेथड। अटेम्प्ट आपने इसे पैराग्राफ की सूरत में करना। सबसे पहले आप पोलिश की राइट की करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे, और उसके बाद आप हेडिंग देंगे स्टार्ट। स्टार की जो करेक्टरिस्टिक्स हमने लिखी है, ये आपने लाइन्स की फॉर्म में लिखी, ठीक है, या पॉइंट की फॉर्म में लिखा, ज्यादा बेहतर है। एक पॉइंट सोर्स का बनेगा, दूसरा सॉल्युबिलिटी का, तीसरा बनेगा हाइड्रोलिसिस का, चौथा बनेगा डाइजेस्टिबिलिटी का, और पांचवा आयोडीन टेस्ट। इसी तरह यही छह पॉइंट, पांच पॉइंट आपने ग्लाइकोजन के लिए बनाने हैं, ग्लाइकोजन की एडिंग देख सकते हैं अंदर में। यही आपने बनानी है सेलुलोज की, सेंटर में सेलुलोज लेके ये पांच पॉइंट की आपने क्या देनी है। एग्जैक्टली और आगे नंबर आपने इसको ऐसे अटेम्प्ट, इसको यार अपना पिक्चर बना लेना है, पिक्चर बना के ग्रुप में सेंड कर, पिक्चर को आपने करना है।